जैसा कि आप सभी ने थंबनेल के अंदर देखा कि दो जो थे अफगानिस्तान खिलाड़ी वो आउट थे, क्योंकि एलपीडब्ल्यू आउट उन्हें दिया गया था, पैड पर जो है वो बॉल लगी थी, लेकिन उन्हें एम्पायर के द्वारा आउट नहीं दिया गया, क्योंकि यहाँ पर जो अंडर 19 मैच जो चल रहा था उसके अंदर एम्पायर का जो निर्णय था वो सर्वमान्य था। वहाँ पर डीआरएस का कोई भी जो सिचुएशन थी वो वहाँ पर नहीं दी गई थी, लेकिन अगर वहाँ पर डीआरएस का सिस्टम होता अगर अंडर 19 टीम के अंदर दुबई के ग्राउंड के अंदर, तो वहाँ पर नेपाल का जो मैच है, नेपाल के दो मैचेस खेले गए, नेपाल वर्सेज अफगानिस्तान और नेपाल वर्सेज पाकिस्तान, दोनों मैचों के अंदर एम्पायर के द्वारा काफ़ी ज़्यादा गलतियां हैं वो की गई, जो नेपाल के लिए बहुत ही भारी साबित हुई। लेकिन अगर डीआरएस का सिस्टम वहां पर होता, डीआरएस लेने का, जिस प्रकार से आपने धोनी की पिक्चर्स तो देखी ही होंगी, डीआरएस के लिए काफ़ी जाने जाते हैं धोनी, तो अगर डीआरएस का सिस्टम वहां पर होता तो शायद नेपाल जो है वो दोनों मैच जीत जाता और एशिया कप का फाइनल उठाने के लिए भी तैयार था नेपाल। लेकिन वहां पर डीआरएस का सिस्टम नहीं होने के कारण और कुछ अंपायर की गलतियों के कारण जो है वो नेपाल को हार का सामना करना पड़ रहा है। क्या नेपाल इतनी छोटी टीम है कि लगातार वो हार सकती है? मुझे तो ऐसा नहीं लगता, क्योंकि नेपाल ने जिस प्रकार से पिछले मैचों के अंदर अपना जो दिखाया है, सिचुएशन दिखाई है, अपनी जो परफॉर्मेंस दिखाई है वो काफ़ी गजब थी, लेकिन अब की बार नेपाल टीम को क्या हो गया है? अपने विचार जो है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। क्या डीआरएस होता तो क्या जीत सकती थी नेपाल टीम? तो और अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, जिससे हमारी नेपाल की बिग अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच के। धन्यवाद, मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग नेपाल अपडेट के साथ।